अपने जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं, कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं और शुरू में ही काफी महंगी महंगी एक्सेसरीज ले लेते हैं, एक एक दो दो लाख की बॉडी ले लेते हैं, लेंसेज ले लेते हैं, लाइटिंग सिस्टम, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ऐसा क्यों होता है ज्यादातर? सक्सेसफुल को तो ये है ना कि आज भी मैं, मेरे को 5 साल हो गए हैं, मेरे को पता है मैं हाफ फ्रेम चला रहा हूँ, मेरी नीड है फुल फ्रेम कैमरे की, D5200 चला रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं वो ही अपने कैमरे से प्रोडक्ट दे दूँ। एक अगर तुम यार मेरे को काम मिलता है और अच्छी फील्ड से मिलता है, अच्छी जगह से मिलता है, तो वहां पे काम भी हमको 100% देना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने कैमरे से ही ट्राई करता हूँ कि यार अच्छा आए, सामने वाले को मेरे को इम्प्रेस करना। मेरा हाँ पर्पस ये होता है कि यार तुमने उसको बोला है ना, तो उसको इम्प्रेस करना है, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको एक बराबर करना, ठीक है, दिल से काम करना। तो कैमरा इतना मैटर नहीं करता यार, दिल से काम करो, रूल से काम करो। और जो लोग आपने कहा कि लेंस ले लेते हैं, यार वो लेने को तो यार कोई भी ले सकता है, पर अंदर से भी तो होना चाहिए ना काम करने के लिए, एक मोटिवेशन खुद से भी होना चाहिए। क्योंकि जो आर्ट होती है वो अपने अंदर से आती है, कोई एक्सेसरीज लेके और इन सब चीजों से नहीं होता। क्योंकि मैंने काफी फोटोग्राफर्स देखे हैं जो बड़े बड़े कैमरे ले लेते हैं, लेकिन उनके कंटेंट एकदम बोल सकते हैं रद्दी बिल्कुल होता होते हैं, बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो SLR वाले होते हैं, जो 15-15, 20-20 हज़ार के जो DSLR चला रहे हैं, उनके अभी कंटेंट देखे तो बहुत बिल्कुल, मैं अच्छे आपको होते हैं। एक बात अभी से एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। लॉकडाउन में एक बंदा था, मैंने देखा था उसके इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोअर्स थे करीब। एक कंपटीशन था वहाँ पे, मेरे को वो मिला था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, उसने भी पार्टिसिपेट किया था। कंपटीशन था एडिटिंग का, उसने एडिटिंग की थी और उसकी सिलेक्ट हुई थी, तो मैं तब से उससे मिला, मैं उसको फॉलो करता हूँ। वो फोन से क्लिक करता है, और अभी 3 महीने के अंदर उसने फोन से एक फोटो ऐसा क्लिक किया, नियर अबाउट 67 to 70 thousand लोगों तक वो गया, रीच रही उस फोटो की। और अब तक वो 2 कैमरे जीत चुका है उस फोटो से, फोन से क्लिक करा हुआ फोटो। तो यही है कि अगर आपके पास एक और अब सिंपल आप सा कंपैरिजन करेंगे कि या वो 1 लाख रुपए वाला कैमरा लिया हुआ हाँ और ये फोन वाला कैमरा लिया हुआ, तो डेडिकेशन वाली बात है, हाँ फोकस होना चाहिए, एम होना चाहिए, उस पर चलना तुम्हारा काम है। सो मतलब जब हम फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट करें, तो हम जितना मिनिमल सोर्स है हमारे पास उसको जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो अपने आप सारी चीजें होती हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल।